कोई चैनल तो कैसे हैं आप लोग देख सकते हो। अभी हम जा रहे हैं वॉक के लिए, एक जगह पर रनिंग के लिए जा रहे हैं, तो हम बाइक लेके जाएंगे क्योंकि वहाँ से हमें आना है, तो उस टाइम हिम्मत नहीं होगी। तो अपनी मैडम की लुक देख सकते हो आप, सुबह सुबह कितनी प्यारी लग रही है ये। तो अभी हमें यहाँ से निकालनी है बाहर, दिखा देता हूँ आपको। बाकी ये वाले अच्छे हैं, ये वाले स्पेशल, यहाँ से हमें बाहर निकालनी है। आज तीन गाड़ियाँ लगी हैं, इस एरिया से हमें ये कुदानी है किसी तरीके से। तो मेरे से तो नहीं निकलती, अब मैंने शायद को दी है, देखते हैं कैसे निकालता है। तो ये हमारा एक्सपर्ट राइडर है। इधर रख, इधर रख, आ जा। यहाँ पे यही प्रॉब्लम है, ये क्या हो रहा है, कोल्ड स्टार्ट नहीं है की होगी, और बैटरी ऐसे भी 2 साल पुरानी होने वाली है। तो गाइस एक लुक दिखा देता हूँ आपको इसकी, तो ये चेक करो अपनी वैनम और साइड है। अभी हम चलते हैं, चाबी वगैरह साथ है मेरा, आपके इनके रूम पर था। तो ये वाली लुक देख सकते हो, बच गया। ये देख सकते हो आप, ये वाली जो हमने वाइट यहाँ से कराई है, मैं सोचता था यहाँ से भी कराऊँ और बड़ा वाला वाइजर लगाऊँ, आसान मेरे को पता है, इस साइड भी कराया सही तो अच्छी लगेगी। अब हम वो भी करेंगे जिस जिस दिन हमें घर जाना होगा। अभी चलते हैं, आप मिलते हैं आपको सीधा हाईवे पे और फॉरेस्ट ग्राउंड पे। जा रहे थे फॉरेस्ट ग्राउंड, बट वहाँ पे बंद ही है तो इसलिए हम गए नहीं। अब हम बाइक सोच रहे हैं यहाँ पे लगाएं या आगे लगाएं पुल के पास, तो हम रनिंग के लिए जाएंगे यहाँ से नगरोटा, या जाएंगे आराम से चलते चलते और वहाँ से आएंगे वापस। तो बाइक को हम वहाँ पर ही लगाएंगे उस साइड। ओके, अभी हमने वैनम यहाँ पे रख दी है, तो अब हम जाएंगे यहाँ से खुद ही मतलब रनिंग करके, तो फिर आएंगे नगरोटा से वापस। बाइक हम यहीं पे लगाते हैं, चार्जर में इसी में रखते हैं, चार्जर ये देख सकते साथ है, केबल भी साथ में ही है, तो ये इसकी बैक साइड में डाल देते हैं फिर चलते हैं। सूरज मामा चढ़ चुके हैं, तो शाहिद भाई कुछ स्नैप वगैरह भेज रहे हैं। बाकी देखो फेस चमक रहा है इस धूप से सुबह सुबह। तो अभी हम चलते हैं, अभी हम चलते हैं आगे, तो वहाँ से यू टर्न लेके वापस चलेंगे और मज़ा आएगा। यहाँ पे पहुँच चुके हैं, यहाँ पे द गोट राइडर्स के पास, तो अभी हम चलते हैं। इधर सर्विस कराएगा तो तेरा घर जाएगा, मेरा साथ में भी जाएगा। तो अभी हम यहाँ से ले लेंगे यू टर्न और चलते हैं उस साइड, और चलते हैं वापस यहाँ से। KTM वाला बंदा, तो अभी हमें भी जाना है 22 को, हम भी ऐसे ही जाएंगे उस पेलते पेलते। हमने 20 तारीख को जाना है रियासी, तो हम जाएंगे 12-1 बजे यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि हमने करनी है राइड से, वो जो हम राइड करते हैं रफ राइड वो नहीं करनी है, क्योंकि एक ही बाइक हमारे पास है, दो उस पर बैठेंगे पिछले वाले की जान निकल जाती है, चाहे मैं पीछे बैठूँ या ये पीछे बैठे। गाइस हम उस इलाके में एक्सप्लोर करेंगे, सिहाड़ बाबा वाटरफॉल आपने सुना होगा, सलाल डैम, एंड देन द हाईएस्ट रेलवे ब्रिज जो है एक्सप्लोर करेंगे, वहाँ से भी जाएंगे। उस ब्लॉग का बेसब्री से इंतज़ार करना, मतलब वो नेक्स्ट लेवल होने वाला है। प्लान है वो इसने बता दिया है, मैं फेस रिवील अभी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं फेस रिवील करूँगा 10K के बाद, मतलब ऐसा इंस्टा का लिंक मैंने डाल दिया, इंस्टा की आईडी सबको पता है, वहाँ पे मैं फेस रिवील कर चुका हूँ, बट यहाँ पे मैं फेस रिवील अभी नहीं करूँगा, 10K के बाद ही करूँगा, क्योंकि उसके बाद मज़ा आएगा, उसके बाद हम फेस वीडियोस लाएंगे अपनी। अभी तो अभी नहीं मैं ला सकता हूँ, इतने मेरे पास गट्स नहीं है। अभी पहुँचने वाले हैं पुल के पास, तो अभी हम वहाँ पर शूट करेंगे। पहुँच चुके हैं सिद्रा, वो सामने हमारी बाइक लगी है, वहाँ पे पता नहीं जैसे दिख नहीं रही है। बाकी ये देख सकते हो नीचे गाय, क्या प्यारी प्यारी गाय हैं, भैंस भी देख सकती हो, बाकी व्यू भी देख सकती हो। यहाँ पे घास बहुत अच्छी है, यहाँ पे बैठने में क्या मज़ा आएगा शाम शाम को या सुबह सुबह। तो बाकी देख सकते हो यहाँ का व्यू, तो अभी सूरज भी बहुत ऊपर हो चुका है, तो टाइम देख सकते हो आप 7:32 ब्राइटनेस वाले कैमरा। आगे अपनी बाइक पे चलते हैं घर। अब तो बाइक लेके हम इसलिए आए क्योंकि आज फर्स्ट डे था हमारा, ऐसे तो हमारा तीसरा दिन है आज, नमाज हमने कंटिन्यू की है, बट यहाँ पे हमारा फर्स्ट डे था आज। वॉक ही कर रहे थे हम, ज़्यादा रनिंग वगैरह की नहीं, क्योंकि पहला दिन है, थोड़ा टाइम लगेगा, 2-4 दिन के बाद फिर हम रनिंग स्टार्ट करेंगे। ये फॉरेस्ट ग्राउंड सामने यहाँ पे, बट यहाँ पे आज बंद था,
ताला लगा हुआ था इसलिए हम गए नहीं। बाकी अब चलते हैं सीधा बाइक पे, मिलते हैं। तो वैसे अपनी मैडम के पास पहुंच चुके हैं, ये रही अपनी मैडम और ये रही उसकी चाबी। ये खुशी है और ये खुशी की चाबी है। तो गाइस अभी इस पे बैठते हैं और चलते हैं वापस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर देना, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक और नए व्लॉग के साथ, अब हम चलते हैं वापस। तो अभी हम गए थे वो उस जगह तक, इससे आगे थोड़ा बस यहाँ तक गए थे। अब लग तो रहा है कम ही बट है ठीक, कोई 2 किलोमीटर तो होगा इधर से आने जाने में, 4 किलोमीटर बस इतना ही है। तो मिलते हैं नए एक व्लॉग के साथ, तब तक के लिए मस्त रहो स्वस्थ रहो और खाते पीते रहो, ढेर सारा प्यार बरसाओ, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक कमेंट सब कुछ करो। ओके बाय, टेक केयर एंड बाय बाय।